हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद शिखा। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग रेसिपी जिसका नाम है पाइनएप्पल पनीर की सब्ज़ी। इसके लिए हमें चाहिए बटर 2 टेबलस्पून, शाही जीरा या जीरा 1/2 टीस्पून, जिंजर 1 टीस्पून, ग्रीन चिली 1 टीस्पून, वाइट पेस्ट 1 कप, खोया 2 टेबलस्पून, वाइट पेपर पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, शुगर 1/2 टीस्पून, फ्रेश क्रीम 1/2 कप, पनीर की क्यूब्स 200 ग्राम्स, पाइनएप्पल 1 कप और कसूरी मेथी स्प्रिंकल करने के लिए। तो चलिए इसे बना लेते हैं। कढ़ाई में हम ले रहे हैं बटर। सिंस ये एक रिच ग्रेवी की सब्ज़ी है, हम इसमें बटर काफ़ी क्वांटिटी में यूज़ कर रहे हैं। आप चाहें तो इसे कम कर सकते हैं। बटर मेल्ट हो जाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे शाही जीरा। इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप प्लेन जीरा भी यूज़ कर सकते हैं। इसे थोड़ा सा भून लेंगे। फिर हम इसमें ऐड कर रहे हैं फाइनली चॉप्ड जिंजर और थोड़ी फाइनली चॉप्ड ग्रीन चिलीज। अगर आप स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो इसमें थोड़ी और भी ऐड कर सकते हैं। इन्हें थोड़ा सा भून लें। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे वाइट पेस्ट, जिसे मैंने बनाकर पहले से तैयार रखा है, काजू और मगज यूज़ करके। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा खोआ। इससे ग्रेवी थिक भी होगी और एक रिच टेक्सचर आएगा ग्रेवी में। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा व्हाइट पेपर पाउडर। व्हाइट पेपर पाउडर यूज़ करने से हमारी ग्रेवी का कलर ख़राब नहीं होगा। फिर हम इसमें ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा सॉल्ट और बिल्कुल थोड़ी सी चीनी। इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। फ्लेम को हमने कम रखा है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं फ्रेश क्रीम। और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं ग्रेवी ऑलरेडी इतनी रिच और टेस्टी लग रही है। अब हम इसे कवर करके 5 से 7 मिनट तक कुक होने देंगे लो फ्लेम पर। अब ग्रेवी बिल्कुल रेडी है। इसमें हम ऐड करेंगे पनीर के क्यूब्स। ये डिफरेंट स्टाइल की पनीर की सब्जी की रेसिपी है जो बहुत ही टेस्टी लगती है। इसे जरूर ट्राई करें। और हम इसमें ऐड कर रहे हैं पाइनएप्पल के छोटे क्यूब्स। आप चाहें तो फ्रेश या कैंड पाइनएप्पल्स कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। जस्ट मेक श्योर कि वो मीठे हो, बहुत खट्टे पाइनएप्पल्स इसमें अच्छे नहीं लगते। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी, इससे फ्लेवर और उभर कर आएगा। और इसे कवर करके 5 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पर और कुक करेंगे। तो अब हमारी सब्जी बिल्कुल रेडी है। इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और फ्लेम को बंद करके इसे एक बोल में निकाल लेंगे। इस सब्जी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा होता है। इसे ज़रूर ट्राई करें अपनी पार्टीज, गेट टुगेदर्स और गेस्ट को सर्व करने में। आई एम श्योर दे विल ऑल लव इट। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अंटिल देन, हैप्पी कुकिंग।